सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। आज हम देखेंगे RRB NTPC द्वारा जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है। एग्ज़ाम 28 दिसंबर से शुरू हो गया है और मैंने दो शिफ्ट ली हैं, एक 28 दिसंबर 20 की और एक 30 दिसंबर 20 की। 30 दिसंबर 20 को जो शिफ्ट 1 थी उसमें क्वेश्चंस का लेवल ठीक था, 28 दिसंबर की जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चंस कुछ हल्के थे। मैंने दोनों लिए हुए हैं, आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा और आप अपनी तैयारी को ठीक से बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को स्ट्रेट वे। सो स्टूडेंट्स, पहले हम 28 दिसंबर के शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां पर बहुत ही आसान प्रश्न थे, वो आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ हम 30 दिसंबर के शिफ्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां पर अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पहला प्रश्न है 28 दिसंबर शिफ्ट 1 का, घातांक और करणी से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की पावर m माइनस n दिख रही है, यहाँ n माइनस m दिख रही है, तो हम m माइनस n ही बना लेंगे इसको, या इसको n माइनस m बना लीजिए। हम इसको करते हैं, सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस a की पावर माइनस कॉमन ले लूं तो मैं m माइनस n लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस एज इट इज ये वाली वैल्यू चली आएगी नीचे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। अभी देखिए 1/1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/a की पावर m माइनस n, ठीक है। नीचे ले जाऊंगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज चली आ रही है इक्वल टू 1/, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया मैंने a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये हो गया 1+ a की पावर m माइनस n, 1 को मैंने पहले लिख दिया और a की पावर m माइनस 1 जो यहाँ आने वाला था इसको मैंने बाद में लिख दिया है, प्लस दैट्स ऑल। ये ऐसे ही चला आ रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा a की पावर m माइनस n अपॉन 1+ a की पावर m माइनस n, प्लस अभी मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1+ a की पावर m माइनस n। अभी मैं सेम एलसीएम ले लूँ 1+ a की पावर m माइनस n, एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा 1+ a की पावर m माइनस n, इसको मैंने पहले लिखा है इसको बाद में लिखा है, आप देख पा रहे हैं सेम है, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आप मार करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 28 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं। 2 साल का साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 500 रुपए है, तो उसी दर एवं उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 साल का साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से मेरे को बताओ, तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% ही होगा क्योंकि साधारण ब्याज है, तो टोटल कितना हो गया 20% हो गया 2 साल में, और ये वैल्यू आपको दी गई किसके बराबर, 500 के बराबर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वहां सक्सेसिव होता है, 2 साल की बात हो रही, तो आप सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा लीजिए, वही 10+10+10×10/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10, 10, 20 और ये हो गया 121%। कहने का मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल का वो 21% होगा। वैल्यू आपकी दी गई है 20% है 500 के बराबर, आपको निकालना 21% किसके बराबर होगा। तो पहले 1 की निकालिए, 1 कितना हो जाएगा 500/20, 21 की बात कीजिए 21% कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 21, इससे ये कैंसिल कीजिए 2 से 25, 25×21 हो गया आपका कितना 500, 525, दैट्स ऑल। तो 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 525 रुपए के बराबर होगा, दैट्स ऑल। कहने का मतलब यह है, आप थोड़ा सक्सेसिव वाला देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्या होता है यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, फिर उनका रोमन नंबर में कन्वर्जन पूछा जा रहा है। 28 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया 699 को रोमन अंकों में कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया है 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, 100 को ऐसे लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। अगर 699 की बात करें तो पहले तो आप इसको ब्रेक करना सीख लीजिए कि कैसे करेंगे। 699 को हम ब्रेक करेंगे 500 में, प्लस
100 कर लेंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया, अभी बचा 99। 99 में पहले 90 को लीजिए, तो 90 तो कुछ है नहीं, 90 को आप लिखेंगे 100 माइनस 10, ये हो गया 90। अभी बचा 9, 9 को आप लिखेंगे 10 माइनस 1, ठीक है। अभी हम रोमन में कन्वर्ट करते हैं इनको, 500 को हम क्या लिखते हैं, डी, 100 को हम क्या लिखते हैं, सी, लिख दीजिए 100 माइनस 10। जब माइनस लगा होता है तो जो माइनस होता है इसको पहले लिखा जाता है, तो 10 को हम लिखते हैं एक्स, 100 को लिखते हैं सी। ये एक्स पहले क्यों आया, क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस है, माइनस वाला हमेशा पहले आ जाता है मेन के, वो मैंने लिख दिया। अब इसी तरह से 10 में आप देख रहे हैं 10 माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को, जो माइनस है 1 इसको हम पहले लिख देंगे, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है, ओके, 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये। तो ये जो नंबर आ गया, ये रोमन नंबर आ गया किसका, 699 का। ये मैंने आपको क्विकली समझाया है, मेरे इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य ये है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको एग्जाम में ऐसा नंबर मिलेगा जिसको रोमन में कन्वर्ट करना आपको सीखना ही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स फॉर्म अ रिंग। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या हो गए, अगर दो की बात करें तो ऐसे दो सर्किल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोले जाएंगे जिनका सेंटर कॉमन है। ओके, द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग आर 22 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सर्कमफेरेंस क्या हो गया, ये जो परिधि होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ओके, एक की 22 है, एक की 44, तो डेफिनेटली जो छोटा है तो उसकी परिधि होगी 22 और बड़े वाले की होगी 44, ये सर्कमफेरेंस हो गया। ओके, ये आपको दिया गया है। द विथ ऑफ द रिंग इज, विथ क्या है, ये जो रिंग है इसकी विथ है ये। ओके, अभी देखिए अगर रेडियस की बात करें तो सेंटर से ये जो बाहर वाले की डिस्टेंस है ये हो गई आउटर जो सर्किल है उसकी रेडियस, यहां से अंदर वाले की इसके सर्कमफेरेंस तक ये हो गई रेडियस, इसको मान लीजिए स्मॉल आर, इसको मान लीजिए कैपिटल आर। आपको दिया गया है सर्कमफेरेंस, रेडियस तो दिया नहीं गया, आपको निकालनी है ये विथ। ये विथ किसके इक्विवेलेंट होगी, कैपिटल आर माइनस आर के। क्यों, कैपिटल आर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, स्मॉल आर है यहां से यहां तक, तो ये कितनी बची, इस डिस्टेंस में कैपिटल आर में आप इसको माइनस कर देंगे तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी, यही विथ है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए आपको 2πr दिया गया है, 2π कैपिटल आर मान लीजिए, अगर बाहर वाले की बात करें, परिधि यही होती है ना सर्किल की, 2πr, ये आपको दिया गया है 44, इससे आप रेडियस निकाल लीजिए, 2 × π की वैल्यू 22/7 पुटअप कर दीजिए, कैपिटल आर निकालेंगे हम, ठीक है। ओके, क्या कट हो रहा है, देखिए 22 दूनी 44, ओके, आर इक्वल टू आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 इधर जाएगा, कैपिटल आर 7 आ गया। ओके, स्मॉल आर की बात करते हैं, 2πr इक्वल टू आपको दिया गया है यहां 22, 2 × π की जगह 22/7 स्मॉल आर इक्वल टू 22, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है, मतलब 3.5 आया स्मॉल आर। आपको निकालना है कैपिटल आर माइनस आर, कैपिटल आर है 7, ये है स्मॉल आर 3.5, वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.5। ऑप्शन में आप मार्क कीजिए, जहां पर 3.5 है वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ओके, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, कोई सर्किल है, 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, दीज आर 3 पॉइंट्स। फिर ये बोल रहे हैं ए बी ए सी इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, ए बी और ए सी की जो भी मेजरमेंट है ये दोनों बराबर है 7√2, ये 7√2 है और ये भी जो मेजरमेंट है ये 7√2 ही है। ओके, तो ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, और आगे बोला जा रहा है कि एंगल BAC 90 डिग्री है। जैसे ही आपको 90 डिग्री दिखा तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट आपको दिख रहा है ये इस सर्किल का डायामीटर है और सेंटर होगा यहां पर कहीं।
ओके आपको निकालना क्या है, इसी डायामीटर का रेडियस निकालना है। सर्किट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर कोई एंगल उसकी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो डेफिनेटली जो अदर एजेस मिल रही हैं आके जहां पर पॉइंट्स में, अगर उन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो एक डायामीटर ही होगा। ओके अभी आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, ये कर्ण है जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कर्ण की मेजरमेंट आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये मेजरमेंट कितना है, जो भी है बेस मान लीजिए या आप इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस 7√2 चूंकि दोनों साइड्स का मेजरमेंट बराबर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। क्या हो गया BC का स्क्वायर 7 जा 49, 49 2 जा 98, इसका मेजरमेंट 98, इसका 98, ये कितना हो गया 196 स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो BC कितना हो गया, ये होता है 14, 14 का स्क्वायर है ना 196। तो ये पूरा डायामीटर आपका आ जाता है 14, आपसे पूछा जा रहा है रेडियस, त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, तो आधा कर दीजिए 7 आपका आंसर होगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी 30 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। ए एंड बी ट्रेवल्स एट 25 km/h एंड 35 km/h इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देम, देन नहीं है ये देम है, देम आफ्टर 2.5 आवर्स। मान लीजिए ए यहाँ है बी यहाँ है, ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ये 25 की स्पीड से, ये 35 की स्पीड से, ओके। और ये पूछा जा रहा है कि जब ये ऐसा करना शुरू करते हैं तो 2.5 घंटे बाद 2.5 आवर्स बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, जब एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड हमेशा एड अप हो जाती है, 25 और 35 हो गया 60, टाइम कितना है 2.5 आवर्स। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 25 छक्का 150, जीरो बढ़ाएंगे, ओके 150 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस होगी कितनी देर बाद, 2.5 आवर्स के बाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड उनकी जुड़ जाती है, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो आपको स्पीड यहां पर माइनस करनी होती, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको इनको बहुत सीरियसली लेना है। देखिए x+1/x की वैल्यू आपको दी गई है 12, यहाँ पर x²-1/x² की वैल्यू दी गई 53, आपसे पूछा जा रहा है x^4-1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, ये क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x²^2-1/x²^2 लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। a²-b² अगर आप यहां पर कंसीडर करते हैं तो एक ब्रैकेट में a+b होता है, यहां पर a आपने माना है x², b क्या है 1/x², तो a+b ये हो गया, a-b क्या हो गया x²-1/x², a²-b² इक्वल टू होता है a+b a-b, हमने a माना है x², b माना है 1/x², दैट्स ऑल और कुछ नहीं है। अभी आप देखिए x²-1/x² आपको दिया गया है, कहने का मतलब x²+1/x² आपको निकालना है, कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, अगर x+1/x 12 दिया गया है तो x²+1/x² क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है 12² - 2, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर x+1/x = a होता है तो x²+1/x² जो ये वैल्यू दी गई होती है a², इसमें जस्ट 2 से माइनस करना होता है, ओके। तो हम यहां पर 12 का स्क्वायर करेंगे, 144 - 2 वैल्यू आ गई 142 को आप यहां पर पुट अप करेंगे इंटू x²-1/x² ऑलरेडी आपको दिया गया है 53, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों ने बताया कि यूनिट डिजिट काम कर रही है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, जो आपको वहां ऑप्शन दिए गए होंगे जस्ट 3, 2 जा 6 यूनिट डिजिट जहां पे 6 होगा उसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछे जा रहे हैं, एक सेट में 30 दिसंबर को एलजेब्रा के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी फंडामेंटल पे आधारित, जहां पर x+1/x की वैल्यू दी हुई होगी और आपको x
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालना ही होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू के इक्विवेलेंट होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का लूंगा। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये भी 30 दिसंबर शिफ्ट वन में पूछा गया है। तीन क्वेश्चन अलजेब्रा के सेम फॉर्मेट में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी गई है जिस रूट में आपको दिख रहा है 3 प्लस टू रूट टू। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू। एक्स तो पता है एक्स, ओके, वन अपान एक्स आपको और निकालना है, तो इसको हम सेपरेटली निकाल लेते हैं। वन अपान एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस रूट टू। रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब भी रूट की वैल्यू हमें डिनोमिनेटर हर में दिख जाती है तो बीच वाला सिंबल जो होता है इसको हम रिवर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब थ्री माइनस टू रूट टू का हम मल्टीप्लाई करेंगे अंश में और हर में। थ्री माइनस टू रूट टू वन में मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, इसमें जब होगा तो क्या होगा, थ्री प्लस टू रूट टू, ये पहले से है 3 माइनस टू रूट टू। जब ऐसा आप करेंगे ऊपर तो यही रहेगा 3 माइनस टू रूट टू, ये क्या बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब 3 3 जा 9 माइनस बी स्क्वायर टू रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, ये अल्टीमेटली कितना बचा 1, वैल्यू 1 अपान एक्स की बची 3 माइनस टू रूट टू। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो एक्स की जगह आपको दिया गया है 3 प्लस टू रूट टू प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली 3 माइनस टू रूट टू, टू रूट टू से टू रूट टू कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू आ गई 6। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालना है, मैंने अभी आपको बताया एक्स प्लस वन अपान एक्स अगर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स प्लस वन अपान एक्स आपने निकाला है 6, तो इसका स्क्वायर 36 माइनस 2 वैल्यू होगी 34, और यही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए अलजेब्रा का तीसरा क्वेश्चन है जो 30 दिसंबर को शिफ्ट वन में पूछा गया है। सेम फॉर्मेट है जहां पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा आपको नजर नहीं आ रहा, तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो दिया गया क्वेश्चन है, अगर हम इसमें एक्स से न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर को एक्स से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। कैसे, ध्यान से देखो, x की पावर 4 कितना बचेगा, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो x क्यूब बचा, 1 अपन x स्क्वायर कितना बचेगा, x क्यूब, डिनोमिनेटर x क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम नीचे भी सेम एक्टिविटी करेंगे, x से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बचा x, 3x बचा केवल 3 प्लस ये बचा 1 अपॉन एक्स, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के फॉर्मेट में। यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिख ही रहा है, तो ये वैल्यू आप सीधे रिप्लेस कर सकते हैं 5 से। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मान लीजिए a दी गई है, पिछले क्वेश्चन जो हमने किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट होता है इसका स्क्वायर माइनस 2, ओके अगर आपको क्यूब निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका शॉर्टकट होता है ए क्यूब माइनस 3a। हम इस क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं, हमको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से, जो कि दिया गया है 5, तो करेंगे हम 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना आया भाई 125 माइनस 3a 15, 5 × 3 x प्लस वन अपान एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं 5 से, 5 माइनस 3 ये वैल्यू आ गई 125 माइनस 15 110 बटे 5 माइनस 3 2, आंसर आपका होगा 55। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान ये रखना है x प्लस वन अपान एक्स की जो भी वैल्यू दी गई है आप इसको यूज तभी कर सकते हैं अच्छे से अगर आप दिए गए क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आएँ, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब के फॉर्मेट में ले आएँ, जो कि हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 18 मीटर एंड एरिया गिवन इज 126 मीटर स्क्वायर,
व्हाट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रेट 9 रुपीज पर मीटर। आयत क्षेत्र का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। 9 रुपीज प्रति मीटर की दर से क्षेत्र पर बाड़ लगाने का कुल खर्च बताएं। यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल है, अगर आप इसको L मान लीजिए, लेंथ को इसको मान लीजिए B, डायगोनल आपको दिया गया है 18 मीटर ओके, और आपको एरिया दिया गया है 126 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको दिया गया है 126। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डायगोनल दिया गया है। यहाँ पर डायगोनल से आप क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो गया 324। ये दूसरी बात आपको मिल गई यहाँ से ओके। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल फेंसिंग का खर्च क्या होगा इस रेट से। फेंसिंग का अगर आपको खर्च निकालना है तो आपको पेरीमीटर या परिमाप निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सारी मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। एल प्लस बी अगर आपको पता चल जाए, आप उसको डबल कर देंगे तो पेरीमीटर की पूरी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी ठीक है। तो वो कैसे निकल सकती है, आपके पास ये दो डाटा है। अगर आप एल प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर लें तो आपका काम आसान हो सकता है। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb ओके। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने निकाली लिया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, वो है 324 डन। प्लस 2 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई बी, इसकी वैल्यू आपको एरिया से मिल गई है 126। कितना हो गया 324 प्लस दिस इज 126 मल्टीप्लाइड बाई 2 252 ओके। 324 252 कितना हो गया 325 576 ओके। ये L प्लस बी का होल स्क्वायर है 576, तो L प्लस बी कितना हो गया 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का ओके। तो L प्लस बी की वैल्यू आपको मिल गई 24। अगर आपको L प्लस बी 24 दिख गया, जस्ट डबल आप कर दीजिए 24 into 2, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप पूरी मेजरमेंट यहां से यहां तक की आपको मिल गई, जो कितनी हो गई 48 मीटर हो गई लेंथ या मेजरमेंट पूरे परिमाप का। 1 मीटर का खर्च है 9 रुपए, तो 48 का कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए 9 से पेरीमीटर को। 9 × 72 = 7, 9 × 36 = 36, 7 = 43, 432 रुपए खर्च आएगा पेरीमीटर या बाड़ लगाने का इस क्वेश्चन में ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर sec a की वैल्यू दी गई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। मैंने बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए गए कि आपको एक आइडिया मिले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बाकी पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं ओके। यहाँ पर sec a की वैल्यू दी गई है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन कर लीजिए। मान लीजिए ये एंगल है, जब सारे एंगल ए है तो हमने इसको ए मान लिया, तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ओके। अभी सेक ए की वैल्यू दी गई है, आप इसी को यूज करते हैं ना, के ए ओके। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया आपका 13, आधार हो गया 15, तो ट्रिपलेट क्या बनता है 13 × 5 में, ये हो गया 12। आपको अगर नहीं आता है ट्रिपलेट, अगर नहीं याद है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसको निकाल लीजिए ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 12। जब आपको तीनों साइड्स मिल गई तो आप जस्ट पुटअप करना है यहाँ पर 10 tan A ओके। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर 12, आधार है 5 ओके। प्लस 24 cosec A क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हो गया 13, लंब हो गया आपका 12, डिवाइडेड बाई 39 sin A। 39 मल्टीप्लाइड बाई साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 12 / 13 ओके डन ठीक है। माइनस इसके आगे यहां पर कंटिन्यू हो जाएगा 10 sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, 13/5 डन। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्या कट रहा है, ये 5 × 2 = 10 ठीक है, ये 13 × 3 = 39, ये 12 × 2 = 24, ये बचा 24 ये बचा 24 प्लस ये बचा 13 × 2 = 26,
दिस इज 26 अपॉन 12 थ्री जा 36 माइनस ये 5 टू जा 10 13 टू जा 26 डन। अब ये थोड़ा सा और कट रहा है, काट दीजिए, 2 से 13 ये 18, ये कितना बचा 13 बटे 18 24 और माइनस 26 हुआ माइनस 2। इसको जस्ट सॉल्व करते हैं, 18 एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस 36 बटे 18, 13 में से 36 माइनस कितना होगा माइनस 23 अपॉन 18। कुछ ऐसा आंसर आपको मार्क करना है, जो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम शिफ्ट में सेम टाइप के 4 प्रश्न 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में ये भी पूछा गया है, आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं क्या है। यहाँ x की वैल्यू आपको दी गई है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अगर x दिया गया है तो आपको 1 अपान x पहले निकालना है, उसके बाद x प्लस 1 अपान x आपको निकालना है। x प्लस 1 अपान x मिलते ही आप x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर अगर x दिया गया है तो 1 अपान x पहले निकालिए कितना हो जाए, 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। इसको आप रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 8 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8। इसको जब आप 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो वही बचेगा 3 माइनस रूट 8, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर हुआ 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कहने का मतलब 1 अपॉन x कितना आया, जस्ट 3 माइनस रूट 8। अभी x प्लस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 प्लस रूट 8, ये तो हो गई x की वैल्यू, 1 अपॉन x आपने निकाला है 3 माइनस रूट 8, तो प्लस 3 माइनस रूट 8, ये रूट 8 रूट 8 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको मिल गई 6। जब आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाती है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का अभी मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, जब आपको x प्लस 1 अपॉन x दिया गया है होता है a क्यूब माइनस 3a, a की जगह यहां वैल्यू दी गई है 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय a, a की जगह है 6, 216 माइनस 18 वैल्यू कितनी आ गई 198, दैट्स ऑल। मार्क कीजिएगा अपना आंसर, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, 1 से 55 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आप ये समझ पाएं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर देख लें। 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 20 से 30 तक कितनी होंगी, 40 से 50 तक कितनी होंगी। मेरा काम है आपको जस्ट ये बताना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, अगर 1 से 55 की बात करें तो 1 से 50 तक होती हैं प्राइम नंबर्स कितनी, 15। और अगर 51 से लेके 55 की बात करें तो 153 और बढ़ जाएगी, तो 1 से 55 की बात करें तो 15 प्लस 1 टोटल 16 होंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है। आप ये चीज समझ लें कि प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक कहाँ कितनी होती हैं, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 20 से 30 के बीच में, 20 से 80 के बीच में, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अच्छा प्रश्न है ये, 30 दिसंबर 20 को पूछा गया है शिफ्ट 1 में। देखिए, एक्स वाई जेड एपी में है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है। x की वैल्यू है tan 45, वैल्यूज में कन्वर्ट करें तो tan 45 किसके इक्विवेलेंट होता है 1 के। ओके, z आपको दिया गया है cot 45, cot 45 की वैल्यू भी होती है 1, आपको निकालनी है y की वैल्यू। अगर समांतर श्रेणी में 3 है, आपको x z दिया गया है, बीच वाले की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालते हैं, जस्ट एवरेज 1 प्लस 1, दोनों को आप सम अप कीजिए,
और जस्ट डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ संख्याओं से, नंबर कितने हैं 1 और 2, दो संख्याएं, दो से डिवाइड कर दिया, जैसे आप एवरेज निकालते हैं। ओके, हमने क्या किया, मीन वैल्यू निकाले। मीन वैल्यू में हम करते क्या है, जो दो नंबर्स के बीच की वैल्यू हमको निकालनी है उनको सम करते हैं, और जितनी वो संख्याएं हैं, दो हैं, तो जस्ट हमने उससे डिवाइड कर दिया। वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, 1, ये भी 1 आया। आप मार करेंगे 1 को। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये देखिए यहां पर सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, दो वर्ष में 1600, ओके, और 3 वर्ष में कितना है 1700। आपको बतानी है ब्याज दर क्या चल रही है, 1600 से 1700 चेंज क्या आया, 100 रुपीज का चेंज आया। ठीक है, 100 रुपीज का चेंज आया, किस पे आया, 1600 पे आया। बात परसेंटेज की हो रही, 100 से जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, यही रेट होगा। ओके, ये दो जीरो कट गए, 4 चौक 16, ये 25 बटे 4, जस्ट सॉल्व कीजिए, 4 छंग 24, 6 सही, 1/4%। आंसर आप देख लीजिएगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो ऐसे हो गया, अगर डेसिमल में है तो कितना हो गया, 6.25% हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज पता है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर यह बोला गया है कि इस नंबर में हम कौन सा नंबर, जो कि 4 मल्टीपल चॉइस आपको दिए गए, इनमें से कोई एक नंबर आपको ऐड करना है इन नंबर्स में, ताकि आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। देखो तो आप करो क्या, सबसे पहले ये जो नंबर दिए गए इनको आप ऐडअप कर लो, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 11, 27, 27, 18 हो गया 45, ये 45 मिला आपको। ठीक है, अभी 45 में आप इनमें से किसी नंबर को जोड़ेंगे, वही आपको टिक करना है जो भी है। तो देखो यहां पर बच्चों ने बताया कि सर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए थे, आपको सम करना है इसका इसका, जस्ट यूनिट डिजिट आपको करना है, 5+ यूनिट डिजिट इसका 5+ यूनिट डिजिट इसका 5+ यूनिट डिजिट। जहां पर आपको कोई ऐसा यूनिट डिजिट मिल जाए जो परफेक्ट स्क्वायर की नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वही आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके इकाई के स्थान पर 4 नंबर कभी नहीं आ सकते, 2, 3, 7 और 8। तो बच्चों ने यह बताया कि सर जब हम इसका यूनिट डिजिट और 3 जो गलत आंसर थे उनको जब हम यूनिट डिजिट जोड़ रहे थे, तो सब में हमें किसी न किसी में 2 मिल रहा था, किसी में 7 मिल रहा था, किसी में 8 मिल रहा था। एक ही केवल ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये नंबर नहीं मिल रहा था, तो वही जस्ट आंसर था, कुछ नहीं करना था। सिंपल आपको ये पता होना था यहां पर कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके इकाई के स्थान पर ये 4 नंबर कभी नहीं आते, तो आप यूनिट डिजिट से जस्ट ऑप्शन को मार करेंगे। पूछा गया है प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20, 30 और 60 डेज, इफ बी एंड सी ज्वाइन विद ए एवरी थर्ड डे, देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ए बी और सी 20, 30 और 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितना समय आवश्यक है। अच्छा प्रश्न है, 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यहां पर देखिए बात हो रही ए बी और सी की। ठीक है, ए कर सकते हैं 20 दिन में पूरा काम, बी कर सकते हैं 30 दिन में, ये कर सकते हैं 60 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हम इनका एलसीएम ही मान लेते हैं नॉर्मली, तो ये हो गया एलसीएम इन 3 नंबर्स का 60। तो ए के लिए अगर आप बात करें तो 60 यूनिट काम है, तो ए कितना कर पाएगा एक दिन में, 3। ठीक है, बी कितना कर पाएगा, 30 से डिवाइड कीजिए 60 को, 2। सी कितना कर पाएगा, 1। ठीक है, अभी बात ये हो रही है कि ए जो है ये डेली काम करेगा। ठीक है, ए पहले दिन की बात करो, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, तीसरे दिन ए तो काम कर ही रहा है, प्लस बी भी आ जा रहा है, सी भी आ जा रहा है, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। कहने का मतलब पहले दिन ए ने कितना यूनिट काम किया, 3। दूसरे दिन कितना काम हुआ, ए ने अकेला किया 3। तीसरे दिन ए ने तो किया ही 3 यूनिट, बी ने भी किया, सी ने भी किया, तो कितना हो गया, 3+2+1, 6 यूनिट काम तीसरे दिन हुआ। तो 3 दिन में काम टोटल कितने यूनिट हुआ, 6, 3, 9, 9, 3, 12। ठीक है, 12 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में।
हमें क्या निकालना है, 60 यूनिट काम कितने दिनों में होगा। तो एक यूनिट हो गया 3/12, 60 यूनिट कितना हो गया, 60 से और मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 60 5 3 15 दिन, 15 दिन आप मार करेंगे, यही आपका आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था जो पूछा गया एनटीपीसी के द्वारा। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए क्वेश्चन है, ऑन ट्राइंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये बोल रहे डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये डी एक पॉइंट है बीसी पर, ठीक है, जहां पर ए बी इज टू ए सी, ए बी और ए सी का रेशियो किसके बराबर है, बी डी और डी सी के। अगर ये सिचुएशन बनती है ओके, तो होता क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एंगल बी है यहां पर 75 डिग्री दिया गया है, एंगल सी जो है 45 डिग्री है, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि 75-45 हो गया आपका 120, ये एंगल बचता है आपका 60 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होता है 180। आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी ए डी, ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा गया है 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ओके। यहां पर जब ये जो सिचुएशन दी गई है, अगर ए बी और ए सी का रेशियो बी डी और डी सी के बराबर होता है, तो ये एक प्रमेय है, इसके हिसाब से होता ये है कि जो ये लाइन आ रही है ए से डी को मिला रही है, तो ये इस एंगल को बराबर बराबर कट करेगी। कहने का मतलब अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये एंगल बचेगा 30 और ये बचेगा 30, अगर ये चीज प्रूव होती है तो। कहने का मतलब बी ए डी हो गया कितना 30, आप आंसर को मार करेंगे 30, दैट्स ऑल, यही आपका आंसर होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आ सकता, लेकिन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में, द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 18, दैट ऑफ सी डी ई इज 12, दैट ऑफ ई एंड एफ इज 6.5 एंड ई एंड सी इज 3.5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ। कहने का मतलब हर एक नंबर को लास्ट में एक एक बार लिया जाएगा, उसका एवरेज आपसे पूछा गया है। यहां ये बोल रहे हैं ए बी सी का एवरेज कितना है, 18 है। एवरेज क्या होता है, तीनों को सम कर देते हैं, उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, एक दो तीन संख्या है तो हमें एवरेज मिलता है। अगर हमको सम चाहिए तो हम करेंगे क्या, ये जो नंबर है एक दो तीन, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें एवरेज से तो हमें इनका सम मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हमको केवल सम की बात करें कितना हो जाएगा, जो एवरेज है तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन संख्या 18 36 18 54, ठीक है। अभी देखिए सी डी ई की बात करें, सी प्लस डी प्लस ई की बात करें कितना हो जाएगा, इनका एवरेज है 12, तो सम कितना हो जाएगा, तीन नंबर है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 ओके। अभी देखिए ई एंड एफ का एवरेज 6.5 है, तो ई एंड एफ का सम कितना हो जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाइड बाई ये दो नंबर है, कितना हो गया 13 ओके। इसके बाद में ई एंड सी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको करवाना है, 3.5 एवरेज है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 7। जब आपको आंसर निकालना है तो आप करेंगे क्या, देखिए ए बी सी डी ई एफ का एवरेज बाद में निकालेंगे, पहले इनका सम क्या हो जाएगा, सम देखो यहां पर होगा, आप इन तीनों को जोड़ेंगे 54 36 13 और इसको घटा देंगे -7, वैल्यू कितनी आएगी ध्यान से देखिए, 50 30 80 80 10 90, ये हो गया 100 103 103, -7 हो गया 96 96, इनका सम आया। अगर एवरेज निकालना है ए बी सी डी ई एफ का तो 6 नंबर हैं, जस्ट 6 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी 16 16, आपका आंसर हो जाएगा
पेन भी धोखा दे रहा है। 16, ये हुआ क्या, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ को सम अप करने जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तो यहां है, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो सी दो बार आ जाएगा, जब सी दो बार आ जाएगा छोड़ दीजिए, जब आप इसको भी जोड़ देंगे तो ई दो बार हो जाएगा, ठीक है। क्या सी दो बार हुआ और ई दो बार हुआ, जब आप इतने नंबर आपस में जोड़ देंगे। इसी को एडजस्ट करने के लिए हम जो e प्लस सी बाद में है इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, तो जो दो दो बार हुआ है एक एक बार माइनस हो जाएगा और हमारा सारा मामला एडजस्ट हो जाएगा। फाइनल जो सम हमको 96 मिल रहा है ये बस इन्हीं 6 नंबर का मिल रहा है, ये e प्लस सी एक एक बार माइनस हो गया इस माइनस 7 की वजह से, दैट्स ऑल। जब हमको सम मिल गया, एवरेज निकालना था, हमने 6 नंबर जो थे उनसे डिवाइड कर दिया, 16 हमारा आंसर होगा, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहने का मतलब जो 6 पेन का विक्रय मूल्य है ये 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 पेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस। इतनी सी बात है, तो रेशियो हम निकाल लेते हैं। ऐसे में सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 14 बटे 6 इधर जाएगा, थोड़ा सा कट कर दीजिए इसको, 7/3। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग 7 में हो रही है, तो एक बात तो क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 में से 7 तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 में से 7 के बीच अंतर है 4, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 3 पे। परसेंटेज की बात हो रही, 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 400/3, 133.33% आपका आंसर होगा, 133.33%। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है 30 दिसंबर शिफ्ट 1 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जल्दी हम नए वीडियो के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में आपके सामने फिर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अच्छे से रहिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।